तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग आए हैं क्लब हाउस, ये मेरे प्यारे पति देव है क्लब हाउस वाली रोड जहाँ से हम लोग क्लब हाउस के लिए जाएंगे। क्लब हाउस ना मनाली का एडवेंचर पॉइंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी। यहाँ पर जिप लाइन, साइकिलिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज है इसके अंदर। और जैसे हम लोग क्लब हाउस के अंदर गए ना, वैसे ही बारिश स्टार्ट होगी। हम लोगों ने यहाँ से टिकट ले ली है। टिकट का जो चार्जेस है वो 35 रुपीज़ पर पर्सन है और किड्स का कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ पर ना छोटा सा मार्केट है जो कि बड़ा प्यारा है। और क्लब हाउस में ना एक चीज बड़ी अच्छी है कि यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और हम लोग ना नीचे आ गए एकदम नदी किनारे। और नक्शु को ना बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो हमने नक्शु के लिए ना मैगी का ऑर्डर दे दिया है। गाइस आप देख सकते हैं मिस्टर नक्शु और हमें मैगी का वेट कर रहे हैं। और ये देखो जरा, यहाँ देखो जरा तूफान आ रहा है। ओह माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव 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 वाव। नक्शी को बहुत डर लग रहा है, ये देखो जरा। नक्शु की मैगी आ गई है। नक्शु को ना मैगी बहुत ज्यादा पसंद है और उसे ना यहाँ पर डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा तूफान आ रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रहा था। और ये वो आंटी है जिनके यहाँ की हमने मैगी खाई, सिड्डू खाया, चाय और कॉफी पी। और गाइस यहाँ पर ना इतना तूफान आ रहा था ना, आंटी के तो सारे बर्तन हिल रहे थे। हम लोगों को भी डर लग रहा था। हम आंटी को बोल रहे, आंटी यहाँ पर बाप रे बाप आप कैसे काम करते हो। तो आंटी बोल रही थी यहाँ पर तो ये डेली का है, कभी बारिश हो जाती है, कभी तूफान आ जाता है, क्योंकि भाई पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। यहाँ पर ना हमको एक प्यारी सी बच्ची मिली, नक्शु ने उसके साथ खूब खेलने लग गया और हम ना नक्शु का डर भगा रहे थे क्योंकि नक्शु को ना बहुत ज्यादा यहाँ पर डर लग रहा था। और मैगी वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो यार कुछ एक्टिविटीज वगैरह कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने करी जिप लाइन। मुझे ना आज बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाई मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी जिप लाइन। आप लोगों ने कभी ये वाली एक्टिविटीज करी तो मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आप लोगों को डर लगा या नहीं लगा, क्योंकि भाई मुझे तो इतना ज्यादा डर लग रहा था। और उसके बाद मैंने भगवान जी का नाम लिया, फिर मैंने अपना डर भगाया, फिर थोड़ी सी हिम्मत आई, फिर मैं आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने लगी। गाइस बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी, जब भी आप मनाली आएं तो आप क्लब हाउस में जरूर आना, क्योंकि पहले हम लोग भी क्लब हाउस नहीं आ रहे थे बट हम लोगों को यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारी वीडियोज को बहुत सारा प्यार देना। मैं मिलती हूँ तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।